एफ न्यूज उर्दू में खैर मकदम है आज की खबरें। सदर इब्तदाई मजलिस संगारेड्डी मोहम्मद ख्वाजा निजामुद्दीन ने मजलिस के काउंसलर और नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद याकूब अली शेख आरिफ, साबिक मजलिस रुकने बल्दिया नाजिमुद्दीन अज्जू और मजलिस के कारकुनान मोहम्मद शाहिद अली, गौस पाशा, मोहम्मद मुख्तार, नजीर, उमर, आसिफ अली, समी और दीगर के हमरा कलेक्ट्रेट ऑफिस संगारेड्डी में एडिशनल कलेक्टर वीआर रेड्डी और जिले एसपी संगारेड्डी रमना कुमार से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की और कहा कि गुज़िश्ता रोज दिल्ली में रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व सदर कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खामगा पर चंद शरपसंद अनासिर की जानिब से इश्तेहाल अंग्रेज के नारे लगाते हुए हमला किया गया। मोहम्मद ख्वाजा निजामुद्दीन ने मरकजी हुकूमत से मुतालिबा करते हुए कहा कि अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज जो है हम यहाँ के संगारेड्डी ज़िला के कलेक्टर साहब से मुलाकात करें, MIM की सारी शाख संगारेड्डी की, जो असद साहब के घर पर दिल्ली में जो हिंदू सेना की तरफ से बर्बरियत का मुजाहिरा किया गया, वहाँ पे जो डैमेज किया गया हिंदू सेना की तरफ से, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं और वो प्रोटेस्ट को दर्ज कराने आज जो है हम लोग जो कलेक्टर साहब को मिल के रिप्रेजेंटेशन दिए और हम ये डिमांड करते हैं हुकूमत हिंद से असद साहब को जो है Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और अमित शाह का रिजिग्नेशन का हम डिमांड करते हैं। और हम ये कहते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है डरने घबराने वाली जमात नहीं है, आप एक डराने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, आप जैसे कोई भी आए तो हम इंशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम आपका मुकाबला करने तैयार हैं। और हम ये हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं असद साहब के घर की सिक्योरिटी बढ़ा दें और असद साहब को Z+ सिक्योरिटी दें और जो है जो हिंदू सेना के जो मॉब जो अटैक करी वो लोगों को जो है सख्त से सख्त सज़ा देना और वो लोगों को ये जो इनका जो रेडिकल एसोसिएशन है और जितने भी एक्सट्रीम ग्रुप्स हैं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स इन सबको बैन करना और हुकूमत हिंद का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करना हम ये डिमांड करते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से।